डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल थ्री पढ़ेंगे। कंडीशनल थ्री का हम लोग यूज करते हैं ऐसे सिचुएशन में जब स्पीकर ऐसा सोचता है कि द एक्शन वुड हैव हैपेंड एज अ कंसिक्वेंस इन द पास्ट। जब कोई घटना पास्ट में एज अ कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप किसी के कारण हुआ होता। यानी कंडीशनल थ्री का यूज ऐसे सेंटेंसेस के लिए होता है जो एक्चुअल में पास्ट से कनेक्शन रखता है। इसीलिए कंडीशनल थ्री को हम लोग रियल पास्ट बोलते हैं, जबकि कंडीशनल टू को अनरियल पास्ट बोलते हैं। कंडीशनल टू इमेजिनरी सिचुएशन को बताता है जिसका पास्ट से कोई रिलेशन है ही नहीं, सिवाय स्ट्रक्चर उसका पास्ट का है। जबकि कंडीशनल थ्री पास्ट का स्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही साथ पास्ट से इसका कनेक्शन होता है। पास्ट से कनेक्शन का मतलब कि ये बेसलेस नहीं है। पास्ट में कोई घटना घटी, उसके रेफरेंस में कुछ कही जा रही है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं जब पास्ट की कोई घटना के का जिक्र, का रिलेशन आप किसी और से एक कंडीशन के फॉर्म में करते हैं। हालांकि इम्पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ प्रेजेंट कंसिक्वेंस के लिए भी किया जा सकता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम या मोटे तौर पे जहां कंडीशनल थ्री यूज होता है, ऐसे हर सेंटेंस का कनेक्शन पास्ट के साथ होता ही है, इसीलिए से रियल कंडीशनल कहेंगे। एग्जाम्पल से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आई एम सॉरी आई डिडंट टॉक टू यू यस्टरडे। आई एम सॉरी, मैं आपसे कल बात नहीं किया। अगला सेंटेंस है, बट आई सिंपली डिडंट सी यू। मैं सिंपली आपको देखा ही नहीं। तो अब ये दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस को, यानी दो क्लोज है टेक्निकली, दोनों क्लोज को हम लोग एक करके कंडीशनल में बोलते हैं। तो क्या होगा, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव सेड हेलो। अगर मैं आपको देखा होता तो आपको हेलो कहा होता। यानी यह घटना एक्चुअल में पास्ट के किसी घटना से रिलेटेड है, यानी पास्ट में घटना घटी उसी से रिलेटेड हमने रेफरेंस निकाला, इन्फेरेंस निकाला। तो पास्ट में ये एक्चुअल सेंटेंस क्या है, अगर मैंने आपसे बात नहीं की क्योंकि मैं आपको देखा ही नहीं। तो दूसरे अंदाज में कंडीशनल में कह रहे हैं, अगर मैं आपको देखा होता तो आपको हेलो कहा होता। नहीं देखने के कारण नहीं कहा, घटना एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, पास्ट से इसका रिलेशन है। तो ऐसे सेंटेंस को कंडीशनल टू में बनाते, कंडीशनल थ्री में बनाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। सो आई वॉज नॉट अपसेट, इसीलिए मैं उदास नहीं था। अब कह रहे हैं, अगर हम लोग मैच नहीं जीतते तो मैं बहुत उदास हो जाता। तो अब ये कंडीशनल है जिसका रिलेशन पास्ट के सेंटेंस से है, पास्ट से इसका रिलेशन है। तो अगर इसको आपको कंडीशनल में बनाना पड़े तो आप कंडीशनल थ्री यूज करेंगे। तो अगर हम लोग मैच नहीं जीते होते तो मैं बहुत उदास हो जाता। इफ वी हैडंट वन द मैच, अगर हम लोग मैच नहीं जीते होते, आई वुड हैव been so upset, मैं बहुत उदास हो गया होता। तो जब पास्ट से किसी का कनेक्शन हो और वो कंडीशनल फॉर्म में बनाना हो, तब हम लोग कंडीशनल थ्री का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो कंडीशनल थ्री का फॉर्मूला है, इफ एक्स हैड हैपेंड वाई वुड हैव हैपेंड। ये हिंट के तौर पे, ताकि आपको आगे याद रहे, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो गया होता, ये इसका इफेक्ट हुआ होता, राइट? अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपको इफ लिखना है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद कंडीशनल परफेक्ट लिखना है। कंडीशनल परफेक्ट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस भी3 प्लस अदर वर्ड्स, बीच में कॉमा होना जरूरी है। अगर आप सेंटेंस इफ से स्टार्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट के बाद कॉमा देना होगा, अगर आप कंडीशनल परफेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो कॉमा की जरूरत नहीं होगी। इस बात को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करना चाहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप हैड के साथ भी एपोस्ट्रॉफी डी लगाएंगे और वुड के साथ भी एपोस्ट्रॉफी डी लगाएंगे, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। एपोस्ट्रॉफी डी का मतलब हैड भी होगा, वुड भी होगा।
तो आप कैसे समझेंगे? तो आपके समझने के लिए अगर हेड में एपोस्ट्रॉफी, हेड के कारण एपोस्ट्रॉफी डी लगा हुआ है तो उसके बाद भर्व का तीसरा फॉर्म यूज होगा, लेकिन उड के बाद अगर डी लगा हुआ है तो भर्व का पहला फॉर्म भी वन यूज होता है। तो ये अंतर है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं तो एपोस्ट्रॉफी डी दोनों के लिए लिखा जा सकता है और प्रायः हम लोग लिखते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, आई वुड हैव डांस्ड ऑल द टाइम, मैं हर समय डांस करता इफ इफ आई आईड, इसको पढ़ते हैं आईड या आई हैड बिन यंग देन, अगर मैं उस समय यंग हुआ होता, यानी एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रही है, ये एक्चुअल पास्ट है, ये अनरियल पास्ट नहीं है, इसीलिए इसको कंडीशनल थ्री से बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर वुडंट हैव बिन एन एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट नहीं हुआ होता इफ शी हैड ड्रिवन मोर केयरफुली, अगर वह और सावधानी से गाड़ी चलाती तो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता, यानी एक्सीडेंट हुई। ये एक फैक्चुअल पास्ट है, एक रियल पास्ट है, इमेजिनरी पास्ट नहीं है, इसीलिए इसको कंडीशनल थ्री से बनाया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ दे हैडंट हेल्प्ड मी, अगर वे लोग हमारी मदद, मेरी मदद नहीं किए होते, द जॉब वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम, यानी काम में और अधिक समय लग गया होता, यानी वो लोग हमारी, मेरी मदद किए, यानी ये भी एक रियल पास्ट है जिसमें घटना एक्चुअल में घटी, इसीलिए इसको भी कंडीशनल थ्री से बनाया गया, कंडीशनल टू से नहीं। तो कंडीशनल टू और कंडीशनल थ्री में यही डिफरेंस है कि कंडीशनल टू अनरियल पास्ट होता है और कंडीशनल थ्री रियल पास्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक स्पेशल यूज देखते हैं। जनरली हम लोग कंडीशनल थ्री का यूज करते हैं पास्ट की घटना के लिए जिसका रिलेशन पास्ट से, रियल पास्ट से होता है। लेकिन हम अगर पास्ट की किसी घटना, ऐसी घटना जो पास्ट में घटी लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है और उस इफेक्ट पे फोकस करना चाह रहे हैं, उस इफेक्ट को बताना चाह रहे हैं, तब आप उस स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकते, यानी वुड हैव प्लस बी थ्री स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर सकते। ऐसी घटना जो पास्ट में घटी लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में है और इस इफेक्ट को बताना हो, तब आप स्ट्रक्चर यूज करेंगे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस कंडीशनल सिंपल, सिंपल कंडीशनल यानी वुड प्लस भी वन यूज होगा। यानी जब पास्ट कंडीशन हो, पास्ट का कोई एक्शन हो, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में होता, पहले इफ लिखेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट और फिर सिंपल कंडीशन यानी वुड प्लस भी वन, वुड हैव प्लस भी थ्री आप नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट प्रेजेंट में है, कंप्लीट एक्शन पास्ट का नहीं है, यानी पास्ट में ही घटा, पास्ट का ही एक्शन, ऐसा नहीं है। पास्ट का एक्शन है और इसका रिजल्ट प्रेजेंट पर है, इसीलिए हम लोग स्पेशल यूज, स्पेशल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी इसका यूज कहां, यूज फॉर पास्ट इवेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द प्रेजेंट। एग्जाम्पल, इफ ही हैडंट गॉन टू द हॉस्पिटल, अगर वह हॉस्पिटल नहीं गया होता, यानी हॉस्पिटल गया तो पास्ट से इसका रिलेशन है, ही वुडंट बी अलाइव टुडे, आज वह जिंदा नहीं होता, यानी आज वह जिंदा है, तो फर्स्ट पार्ट पास्ट का है और सेकेंड पार्ट जो रिजल्ट है, इफेक्ट है, वह प्रेजेंट का है। तो जब पास्ट का इवेंट हो और रिजल्ट यानी कंसीक्वेंस, इफेक्ट प्रेजेंट का हो, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, यानी अगर वह हॉस्पिटल नहीं गया होता तो वह आज जिंदा नहीं होता। नेक्स्ट, इफ आई हैडंट ज्वाइंड एलीट, अगर मैं एलीट ज्वाइन नहीं किया होता, आई वुडंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता। यानी ये घटना पास्ट का है कि मैं पास्ट में अगर मैं ज्वाइन नहीं किया होता तो यह एक्शन पास्ट का है, लेकिन सेकेंड एक्शन इसका रिजल्ट है, इफेक्ट है, कंसिक्वेंस है, परिणाम है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता, यानी आज मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, तो इसके कारण यह घटना घटी, इसके कारण यह घटना घटी। तो जब पास्ट में कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, उसका कंसीक्वेंस, उसका रिजल्ट
प्रेजेंट में आए तब इस स्ट्रक्चर का आप यूज करेंगे। यह था कंडीशनल फ्री। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।